ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। समागम हैगा वा ये साडे तरसेम सिंह जी उन्होंने ग्रह विखे उन्होंने प्रोग्राम रखाया ते अज ही आल इंडिया शड्यूल कार्ड फैडरेशन वालों उन्होंने अमृतसर जिले का चेयरमैन ला रहे हैं ते उन्होंने नाल सुखदेव सिंह जी मिठू प्रधान जी उन्होंने ही वाइस चेयरमैन अमृतसर जिले का बना रहे हैं। की काम होने जी इन्होंने? हाँ जी काम की होने पहल के आधार पर काम जी अही तो समाज का काम करते हैं, समाज के नाल ही खड़े हैं, रात दिन खड़े हैं। ये समाज करके ही जी है फैडरेशन बनी है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने यह जी फैडरेशन बनाई थी उन्हें सारे समाज को इकट्ठा करके बनाई थी, इस करके वो भी समाज का काम करते थे। अही उन्होंने पूर्णिया के चलते पे हाँ तो उन्होंने कहते ही समाज की सेवा दें कर। ठीक है जी। जय वाल्मीकि जी, महादेव, जय भीम, जय भारत। अज बहुत ही वधिया दिन आ साडे जग्गू प्रधान जी और इन्हां दी टीम ने सानू सम्मानित करके। मेरा नाम सुखदेव सिंह मिठू, अज उन्होंने सानू वाइस चेयरमैन नियुक्त किया वा ते असी जग्गू प्रधान जी का और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कोशिश करांगे कि परमात्मा को अरदास बेनती करांगे दे चरणां च भी असी चंगे काम कर सकीए, लोगों के काम आ सकीए, समाज को कोई चंगी सेध दे सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। सेवा रहेगी समाज की। ठीक है जी, तुम जय भारत। अज असी आल इंडिया स्टोरकास्ट फेडरेशन के माध्यम राही गली नंबर 9 दे विच साडे राष्ट्रीय प्रधान जगदीश कुमार जी जग्गू जिन्हां नूं तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दे नाल उन्हां दे साथी राजेश कुमार जी काला जी, शहरी प्रधान सौरभ सब्बरवाल जी, अज इस मीटिंग का मकसद नाल ही पता कि जिस तरह कुछ साढ़े समाज ने जायजतियां कर दी, जायजतियां भी कर रहे। आल इंडिया स्टोरकास्ट फैडरेशन आज तो 10-15 साल पहले भी इतने आप मीटिंग रखाई ही कपूरपुरे तो उदो डॉक्टर वाल टीटू जी भी आए ने जरा कि पंजाब केसरी के मुख्य निशा विशा वा कि अज असी आल इंडिया स्टोरकास्ट फैडरेशन के माध्यम राही नियुक्ति पत्र ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰਕਾਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ।